there is always a war between mind and heart. And sometimes you know कि ये गलत है, but फिर वही अंदर से आता है कि नहीं यार कर लेना चाहिए. Sometimes you are like not decidable कि ये चीज़ सही है या गलत है. दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है. तो सर उस टाइम क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या मानना चाहिए? मतलब दिल की सुने या दिमाग की सुने? इसको हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को, हाउ टू स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल. सही लग रहा है टॉपिक? सारे कह रहे सर ये तो है. सबसे पहले देखते हैं इमोशनल होना क्या बुरा है. ये बुरा नहीं है. ये जो वर्ड है इमोशन, इसी में इसका मीनिंग है. यू कैन कॉल इट एज एनर्जी इन मोशन. लेकिन अगर वो एनर्जी अनकंट्रोल्ड वे में चलने लग जाए तो क्या होगा? एक है एनर्जी आपके कंट्रोल में है, इमोशंस आपके कंट्रोल में है, एक है आप इमोशंस के कंट्रोल में हो. कैसी होगी इस बंदे की लाइफ जो इमोशंस के कंट्रोल में है? खत्म ही खत्म है जी. मतलब एक मिनट में वो एक्साइटेड हो जाएगा, अगले मिनट में डिप्रेस्ड हो जाएगा. जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाएगा तब भी रायता फैलेगा. जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं तो कमिटमेंट नहीं करने लग जाते उल्टे सीधे. पूरी की पूरी रामायण को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सारी जो प्रॉब्लम्स हुई उसकी जड़ क्या थी? सीता. अरे नहीं, सीता जड़ थी. कहां से खेल सारा शुरू हुआ था? वचन क्यों दिया था? तो रामलीला शुरू होने वाली ऐसा लग रहा है. एक हनुमान भी आएगा थोड़ी देर में, याद ये दिख रही है ऊपर से रॉड. हनुमान जी आएंगे, लंका उनका जलाएंगे करेंगे, देखते हैं क्या होता है. हाँ नहीं, समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था. केकई से बहुत खुश हो गए थे दशरथ जी, तो उन्होंने उनको वचन दिया था कि जब भी आप मांगोगे वो हम देंगे. तो पूरी की पूरी रामायण की जड़ क्या है? नहीं केकई नहीं, कभी सीता कभी केकई. अब पागल हो क्या? रुको, दशरथ जी जरूरत से ज्यादा खुश हो गए थे, इमोशनल हो गए थे. और जरूरत से ज्यादा खुश होने के बाद में उन्होंने उसको कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद में ये पूरी की पूरी रामायण शुरू हुई. तो हमारी भी जिंदगी की रामायण ऐसी ही शुरू होती है. जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं और किसी को कमिट नहीं करना चाहिए, कमिट कर दिया, उसके बाद वो फुद्दू घर के चक्कर लगा रहा है. उसके बाद रो रही, मैंने क्या कर दिया, थोड़ी जल्दी कर दी. फिर हमारी जिंदगी की रामायण शुरू होती है. ये रिलेट कर पा रहे हो इन सब बातों से? जरूरत से ज्यादा इमोशनल होकर के एक डिसीजन ले लिया अपने करियर का बहुत बड़ा, उसके बाद में रो रहे हैं बैठे बैठे पूरी लाइफ के लिए, ये मैंने क्या कर दिया. थोड़ा सोच समझ के नहीं कर सकता था, सोच समझ के नहीं कर सकती थी. ऐसा होता है लाइफ में? नहीं होता. कुछ गिने चुने बड़े डिसीजंस हैं लाइफ में. और क्या है, एक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, एक करियर से रिलेटेड है. ये दोनों ही डिसीजंस सोच समझ करके प्रॉपरली लेने चाहिए या एकदम से इमोशनल होकर के लेने चाहिए? इमोशंस जो होते हैं ना, अब वो जनरेट कैसे होते हैं? Happening. You're saying कि कुछ होता है हमारी लाइफ में, कोई इवेंट होता है, वहां से इमोशंस ट्रिगर होते हैं. तो इवेंट्स तो अनलिमिटेड होते हैं, हर एक पे इमोशंस ट्रिगर होते हैं. आपकी लाइफ में कितना कुछ होता है सुबह से रात तक? बहुत कुछ होता है. क्या हर जगह पे एक्साइटेड हो जाते हो, हर जगह पे डिप्रेस्ड हो जाते हो, या कभी होते हो कभी नहीं होते हो? तो उसका कॉज बाहर है या आपके अंदर है? इसको आराम से समझना, यही हमारी सबकी गलत फहमी है. हम सोचते हैं इमोशंस बाहर से जनरेट होते हैं, बाहर से नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी का आपके माइंड में डिजायर पड़ा हुआ है और वो डिजायर बहुत स्ट्रांग है और वो गाड़ी आपके सामने आएगी तो आप इमोशनल नहीं हो जाओगे? और अगर वो डिजायर है ही नहीं तो ऐसी हजार गाड़ियां भी आपके सामने से निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा. ऐसे ही जिस तरह की आपने मूवीज देखी है, करी है, ये है वो है, उससे रिलेटेड इमेजेस बन जाती है हमारे माइंड में. प्रिंस चार्मिंग एकदम से वो सामने आता है तो क्या होता है? दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता है. बाहर से हम अपने आप को बड़ा काम एंड कंपोज दिखा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है? अरे मजा आ गया. ऐसी फीलिंग्स होती है? नहीं होती है. ओबे देखो देखो देखो, पलट 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 पलट, ये खेल शुरू नहीं हो जाता है? उस वक्त क्या होता है, दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता है. अब जैसे जैसे वो डिजायर पूरा होता है तो हमारे अंदर ग्रीड नाम का एक इमोशन पैदा होता है. ग्रीड सिर्फ चीजों से रिलेटेड नहीं होता, लोगों से रिलेटेड होता है. लालच आता है और अगर उसमें कोई रुकावट आती है तो क्या होता है? पता लगा आपको वो आपको नहीं देख रहा, आपकी फ्रेंड को देख रहा है, तो क्या होता है? गुस्सा आता है, जेलसी होती है. तो इस सबकी जड़ क्या है? उनके इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं. आप लोग खुश रहना तो चाहते हो, सब रहना चाहते हैं दुनिया में, लेकिन ये नहीं पता है खुश रहते कैसे हैं. ऐसे सीड्स अपने अंदर प्लांट करने होते हैं जो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़े
आप अंदर से और पीसफुल होते चले जाओ।